हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी सी शाही पनीर की रेसिपी। तो जल्दी से जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर लिया है 200 ग्राम्स, कट इन क्यूब्स, यानी कि मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टोमेटोज़ की प्यूरी बना ली है। यहाँ से ये देखिए 15 कैश्यूज़, 2 ऑनियंस और 2 ग्रीन चिलीज़ का ही मैंने यहाँ पर फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मलाई ली है, दूध के ऊपर जमी हुई आप मलाई ले सकते हैं या फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। गरम मसाला मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून लिया है। फर्दर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिल्क की आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है। ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून, हरी इलायची ली 1 पॉड ली है, 3 से 4 क्लोव्स लिए हैं, सिनेमन 1 स्मॉल लिया है और पेपरकॉर्न्स लिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 2 टीस्पून लिया है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी को एक वॉक में एक कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। यू कैन यूज़ रिफाइंड ऑयल टू, बट देसी घी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो घी है वो हीट हो चुका है, तो अब मैं इसमें जो सारे मेरे होल स्पाइसेस हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, सो दैट जो ये जिससे कि जो ये घी है वो थोड़ा सा एरोमेटिक हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसे 10 to 15 सेकेंड्स के लिए सौते कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं इसमें अनियन का पेस्ट, जो कैश्यू और अनियन का पेस्ट आपने रेडी किया है, आप इसमें ऐड कर लें और आप इसको 5 मिनट्स के लिए स्टर करते हुए सौते करें। डू रिमेंबर फ्रेंड्स कि इसको स्टर करना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कैश्यू का पेस्ट होता है, जो काजू होता है, वो बॉटम पे स्टिक होने लगता है, इसलिए आपको इसको चलाते हुए इसको सौते करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये ग्रेवी है ये सौते हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये पेस्ट है वो सौते हो चुका है। तो अब आप इसमें ऐड कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आपके पास है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आप अगेन इसे सौते कर लें। इसको करने में आपको 2 to 3 मिनट्स के लिए ये लो फ्लेम पे सौते करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सौते हो चुका है, तब आप इसमें ड्राई जो आपके पास पाउडर्ड स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दें और ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप इसमें ऐड कर दें जो आपके पास टोमेटो प्यूरी है। टोमेटो प्यूरी आपको लास्ट में ही ऐड करना है और इसको अगेन आप सौते कर लें, या आपको जब तक सौते करना है टिल ऑयल स्टार्ट्स टू रिलीज, मतलब कि जो जब तक जो ऑयल है वो ऊज आउट होना ना स्टार्ट हो जाए तब तक आप इसको सौते कर लें। आपको सरफेस पे, जो इसके सरफेस पे ऑयल नज़र आने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑयल भी रिलीज़ होते दिख रहा है। तो आप इसको जितना अच्छे से भूनेंगे आपकी ग्रेवी उतनी अच्छी रेडी होगी। तो जब ये अच्छे से भुन जाए तब आप इसमें जो मलाई, जो दूध के ऊपर की मलाई या जो क्रीम, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको ऐड कर दें। और साथ ही में आप इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, और ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए और एक बॉयल आने तक इसको कुक कर लें।
नाउ फ्रेंड लास्ट में आप इसमें हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड कर लीजिएगा। कसूरी मेथी से जो शाही पनीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल मार्केट जैसा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी को ऐड करना ना भूलें, ये मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके ये देखिए हमारे पास जो शाही पनीर की रेस्ट जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब आप इसमें पनीर जो आपके पास क्यूब्स पनीर है उसको आप ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से कोट करते हुए इसको मिक्स कर लें। बहुत जेंटल हैंड से आप इसको स्टर करिएगा, अदरवाइज जो आपके क्यूब्स हैं पनीर के वो ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, शाही पनीर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप वाटर ऐड करा है, और वाटर ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे आप इसको 5 मिनट्स के लिए कुक कर लें। इससे क्या होगा, जो पनीर का जो फ्लेवर होगा वो आपकी ग्रेवी में आ जाएगा। तो अब आप इसको बटर नान से सर्व करिए, ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।